सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मास्टर जी को और दबाएं इस घंटी को ताकि आप पा सकें सिक्योर नोटों की जानकारियां सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 1835 में बने हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के इन वन क्वार्टर आना के सिक्कों के बारे में, जिनमें से कुछ ऐसे सिक्के भी हैं जो आप लोगों को मालामाल बना सकते हैं। तो इस तरह के वन क्वार्टर आना के सिक्के शायद आपके पास भी जरूर होंगे, लेकिन क्या आपको इस तरह के सिक्कों की कीमत के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस वन क्वार्टर आना के सिक्के की सही कीमत और पूरी जानकारी के बारे में बताने वाला हूं। तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, और उसके साथ ही आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को 100% सच्ची जानकारियां ही देने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये जो दो सिक्के आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोनों ही सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के वन क्वार्टर आना के सिक्के हैं। और इसमें से पहला सिक्का है ये 1835 का वन क्वार्टर आना का सिक्का, जिसको जारी किया गया था किंग विलियम फोर के समय में। और ये जो दूसरा वन क्वार्टर आना का सिक्का आप लोग देख रहे हैं, ये सिक्का जारी हुआ था 1858 में क्वीन विक्टोरिया के समय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ 1835 के ही वन क्वार्टर आना के सिक्के के बारे में बताने वाला हूँ, और इस 1858 के वन क्वार्टर आना के सिक्के की जानकारी मैं आप लोगों को अपनी आने वाली किसी अगली वीडियो में दूंगा। तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही उस बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारे इस चैनल की अगली आने वाली सारी वीडियोस की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस ईस्ट इंडिया कंपनी के 1835 के वन क्वार्टर आना के सिक्के की। तो ये सिक्का जारी हुआ था किंग विलियम फोर के शासन काल में। लेकिन दोस्तों, 1835 एक फ्रोजन ईयर है, और 1835 के ये वन क्वार्टर आना के सभी सिक्के 1835 में ही जारी नहीं हुए थे, यानी कि इन सभी सिक्कों पर लिखा जरूर 1835 ही होगा, लेकिन सच में वो सिक्के 1835 में नहीं बने थे। और फ्रोजन ईयर का मतलब भी यही होता है, यानी कि सिक्कों पर छपा हुआ ईयर सच में उनका मिंटिंग ईयर नहीं होता है। और इन फ्रोजन ईयर के सिक्कों के भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में मैं आप लोगों को अपनी आने वाली अगली वीडियो में भी अपडेटेड करता रहूंगा। तो दोस्तों, इन सिक्कों को बनाया गया था हमारे भारत की उस समय की तीन अलग अलग मिंटों में, जिनमें थी कैलकटा, मद्रास और बॉम्बे मिंट। और इन मिंटों में से सिर्फ कैलकटा मिंट के ही सिक्के सच में 1835 में बनाए गए थे, जबकि वहीं मद्रास मिंट के सिक्के 1837 के बाद से बनना शुरू हुए थे, और वहीं बॉम्बे मिंट के सिक्के बनना शुरू हुए थे 1846 से। लेकिन उन सभी सिक्कों पर लिखा 1835 ही गया था, क्योंकि 1835 एक फ्रोजन ईयर था। तो इन सभी मिंटों की पहचान करने का तरीका थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए इन सिक्कों के डायमीटर को मापना पड़ेगा, और साथ इन पर बनी हुई इन बैरीज को भी गिनना पड़ेगा, क्योंकि इन सिक्कों की काफी सारी ऐसी अलग अलग वेराइटीज हैं जिनमें की बैरीज की संख्या अलग अलग होती है। और दोस्तों, इन सिक्कों की कीमत इनके मिंट पर कुछ ज्यादा डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए आज मैं आप लोगों को इन सिक्कों के मिंट की पहचान करने के बारे में नहीं बताने वाला। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग इन सिक्कों के मिंट की पहचान कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों को जानना है इनके मिंट और इनकी वेराइटीज के बारे में। और अगर मुझे ज्यादा कमेंट मिलेंगे तो मैं इस टॉपिक पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, आइए पहले तो हम इस सिक्के को नजदीक से देख लेते हैं। तो इस सिक्के के ऑबवर्ड साइड पे देखें तो यहाँ पर बीच में बना हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का कोट ऑफ आर्म्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहचान का चिन्ह, जिस पर बने हुए हैं दो शेर जिनके हाथों में फ्लैग, और साथ ही इसके बीच में बनी हुई है एक शील्ड जिसके ऊपर एक छोटा सा शेर भी बना हुआ है, और नीचे की तरफ इसका ईयर 1835 लिखा हुआ है। और इसके रिवर्स साइड की बात करें तो यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है वन क्वार्टर आना, और इसके चारों तरफ पत्तियों और बेरीज की एक डिजाइन बनी हुई है। और यहाँ पर देखें तो पर्शियन या फारसी में एक पाई लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है वन पाइस या एक पैसा। और उस समय का जो एक रुपया होता था वो बना होता था 64 पैसों से मिलकर, यानी कि उस समय पर एक रुपए में होते थे 64 पैसे। तो दोस्तों, इस सिक्के का वजन होता है लगभग 6.47 ग्राम, और ये सभी सिक्के बनाए गए थे कॉपर यानी कि तांबे से, और इसी वजह से इस तरह के सिक्कों को प्रिजर्व कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि तांबे के सिक्के काफी जल्दी ही काले पड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं इन सिक्कों की कीमत की। तो दोस्तों, ये जो सिक्के आप लोग देख रहे हैं ये सभी कॉमन सिक्के हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिक्के कीमती नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं 1835 के सबसे कीमती वन क्वार्टर आना के सिक्के के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं इन कॉमन सिक्कों की कीमत के बारे में। तो दोस्तों, इस तरह के कॉमन सिक्कों की भी आज के समय में यूएनसी कंडीशन में कीमत है लगभग 4 से 5 हजार रुपए के आसपास, क्योंकि तांबे के होने की वजह से इतने लंबे समय तक इनकी चमक को बनाए रख पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल का काम है। तो इसी वजह से इस तरह के यूएनसी सिक्कों
की कीमत काफी ज्यादा होती है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इस तरह के लो ग्रेड के सिक्कों की, तो इस तरह के लो ग्रेड यानी कि कम अच्छी कंडीशन वाले सिक्कों की कीमत लगभग 200 रुपए से 500 रुपए के बीच में होती है। और ये जो कीमत है वो मैं आप लोगों को प्रेजेंट टाइम की बता रहा हूँ, और आगे आने वाले समय में ये कीमत भी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 1835 के एक रेयर सिक्के के बारे में, जो कि है ये सिक्का। तो दोस्तों इस सिक्के की जो खास बात है वो है इसके रिबन के डिजाइन में। तो दोस्तों इन सभी कॉमन सिक्कों में आप लोगों को इस रिबन का डिजाइन कुछ इस तरह का नजर आएगा, लेकिन इस रेयर सिक्के में आप लोगों को इस रिबन का डिजाइन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसको कि लार्ज लूप या ओपन लूप रिबन डिजाइन बोला जाता है। और इस सिक्के की जो दूसरी पहचान है वो है इस वाई के बाद एक डॉट, और इस वाई के बाद ये डॉट आप लोगों को सिर्फ इसी सिक्के में ही दिखाई देगा। और इसके साथ ही यहाँ पर बीच में जो 1/4 आना लिखा हुआ है वो भी काफी बड़े साइज में होता है, और यही 3 पहचान है इस रेयर 1/4 आना के सिक्के की। तो दोस्तों अगर आपके पास भी है 1835 का इस तरह के रिबन वाला सिक्का, तो आपको सिक्के के यूएनसी कंडीशन में मिल सकता है लगभग 40 से 50 हजार रुपए के बीच में, और ये कीमत उसकी कंडीशन पे डिपेंड करती है। और दोस्तों यही है 1835 का 1/4 आना का सबसे महंगा सिक्का। तो अगर आपके पास भी है 1835 का ऐसा कोई रेयर सिक्का तो आप उसे नीचे कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों इसके अलावा 1835 का ऐसा कोई कॉमन सर्कुलेशन का 1/4 आना का सिक्का नहीं है जिसकी कीमत लाखों में हो, लेकिन हाँ ऐसे कुछ प्रूफ और ऑफ मेटल स्ट्राइक के सिक्के जरूर हैं जिनकी आज के समय में कीमत लाखों में है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के काफी सारे फेक सिक्के भी बाजार में आ चुके हैं जिनको कि काफी सारे लोग असली समझ के अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस तरह के कुछ फेक सिक्के भी दिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग इन फेक सिक्कों की भी पहचान कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो पहला सिक्का देख रहे हैं इस पे लिखा हुआ है UKL 1 आना, और इसके पीछे ईयर लिखा हुआ है 1835। लेकिन दोस्तों 1835 तक कोई भी 1 आना का सिक्का जारी ही नहीं हुआ था, इसलिए ये सिक्का एक फेक सिक्का है। और इसके साथ आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इनमें क्रॉस फ्लैग्स बने हुए हैं, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी सिक्के में ऐसा कोई क्रॉस फ्लैग नहीं बनाया गया था। और दोस्तों इसी के साथ काफी सारे ऐसे फेक सिक्के भी बनाए जाते हैं जिनके पीछे आप लोग किसी भगवान का चित्र बना हुआ देखेंगे, और इन सिक्कों के दूसरी तरफ ईयर लिखा होता है 1818, 1717 या 1616। तो इस तरह के भी सभी सिक्के फेक सिक्के होते हैं, और इनको भी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 1835 का एक और फेक सिक्का आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इस सिक्के में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बीच में ब्रिटिश क्राउन बना हुआ है, और उसके नीचे लिखा हुआ है UK 1 आना 1835। तो इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो है इसका क्राउन, क्योंकि 1835 में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था ना कि ब्रिटिश क्राउन का। और दोस्तों इस सिक्के के भी पीछे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भगवान बने हुए हैं, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ऐसा कोई भी सिक्का जारी ही नहीं किया गया था जिसके पीछे किसी भी भगवान का चित्र बना हुआ हो। तो ऐसे सारे ही सिक्के सिर्फ एक टेम्पल टोकन होते हैं जिनको कि हम फेक कॉइन्स भी बोल सकते हैं, और ऐसे सिक्कों की कोई भी हिस्टोरिकल वैल्यू नहीं होती है क्योंकि इन सभी सिक्कों को हाल ही में बनाया गया है। तो अगर आपको भी कोई इस तरह के सिक्कों को महंगी कीमत में बेचने की कोशिश करे तो आप लोग भी इस तरह के स्कैम से सावधान रहें, क्योंकि हमारे देश में ऐसे काफी सारे स्कैम चलाए जाते हैं जिनमें कि भोले भाले लोगों को फंसाया जाता है और उनको बेवकूफ बनाकर उनका पैसा लूटा जाता है। तो आप लोग इस तरह के स्कैम से जरूर सावधान रहें। तो अगर आपको इस वीडियो में जरा सी भी सच्चाई लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही आपसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसे सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से ही बाकी सारे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सकेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग जान सकेंगे इस रेयर सिक्के के बारे में और बच सकेंगे इस तरह के फेक सिक्कों से। तो दोस्तों अगर आप आगे भी इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को नीचे दिए गए उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही दबा दें उस घंटी के बटन को ताकि आपको हमारी आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सके उन वीडियोस को सबसे पहले। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, इसका कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नोटों और सिक्कों से जुड़ी हुई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी लाता रहूंगा। तो हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।